गदर 2 से सिनेमा घरों में सनी देओल ने मचा रखा है गदर। एक्टर की फिल्म अब तक 411 करोड़ कमा चुकी है और इस फिल्म के जरिए सनी ने बॉलीवुड में शानदार वापसी की है। पिछले दिनों एक्टर के सनी विला की नीलामी की खबरें आई थी। बैंक ऑफ बड़ौदा से उन्होंने 56 करोड़ का लोन लिया था और बैंक ने नीलामी नोटिस में लिखा था सनी का घर सनी विला होगा नीलाम। इसके बाद से सनी के कर्ज की हर तरफ होने लगी चर्चा। कहा जाता है कि सनी देओल ने ये कर्ज साल 2016 में घायल वंस अगेन के लिए लिया था। आपको बता दें एक्टर की ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। बैंक ने इसी कर्ज के लिए उनके बंगले सनी विला के लिए नीलामी नोटिस को पब्लिक किया था। हालांकि खबर सामने आने के एक दिन बाद ही सनी देओल के बंगले की नीलामी का नोटिस वापस ले लिया गया। सनी देओल पर भले ही 56 करोड़ का कर्ज हो लेकिन उनके पास धन दौलत की कमी नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सनी देओल के पास 120 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति है। वह इनकम की बात करें तो एक मूवी के लिए तकरीबन 5 से 6 करोड़ सनी रुपए चार्ज करते हैं। हालांकि इन्होंने गदर 2 मूवी के लिए 20 करोड़ रुपए लिए हैं। मुंबई के जुहू इलाके में ही उनके दो बंगले हैं। जुहू के राजेंद्र एसजान रोड पर उनका सनी विला है। इस बंगले में उन्होंने सनी सुपर साउंड नाम का स्टूडियो खोल रखा है जहां फिल्मों की डबिंग होती है। इसके अलावा सनी का एक आलीशान विला मनाली में है। वहीं जुहू के 11th रोड पर स्थित अपने 3 मंजिल के बंगले में वो परिवार समेत रहते हैं। पिछले दिनों सनी के बड़े बेटे करण देओल की शादी के दौरान उनके बंगले पर खूब रौनक दिखी। तब उनका विला फूलों और लाइट से सजाया गया था। लंबे समय बाद इस बंगले में शहनाई गूंजी थी, लिहाजा पूरा देओल परिवार जुटा था। इसी बंगले में करण देओल की शादी की तमाम रस्में हुई थी। आपको बता दें जुहू स्थित इस बंगले में सालों से सनी देओल का परिवार रहता चला आ रहा है। वहीं अमिताभ बच्चन और अजय देवगन देओल परिवार के पड़ोसी हैं। समंदर किनारे स्थित यह विला जितना बाहर से भव्य दिखता है उतना ही आलीशान अंदर से भी है। इस बंगले में धर्मेंद्र और उनकी पत्नी के साथ सनी देओल का भी परिवार रहता है। आपको बता दें 3 मंजिल के इस विला में कई सारे कमरे हैं। वहीं लिविंग रूम इतना शानदार है कि देखने में ये किसी महल जैसा लगता है। लिविंग रूम में सोफे ऑफ व्हाइट कलर के हैं। वहीं ये हॉल इतना लंबा चौड़ा है कि एक साथ कई सारे लोग यहाँ बैठ सकते हैं। जब भी कोई फंक्शन या त्योहार होता है पूरा देओल कुनबा यहाँ जुटता है और पूरा परिवार एक साथ जश्न मनाता है। आपको बता दें धर्मेंद्र और सनी देओल का ये बंगला किसी 5-स्टार रिजॉर्ट से कम नहीं है। यहाँ स्विमिंग पूल, गार्डन और लॉन भी है। साथ ही धर्मेंद्र ने अपने बंगले के भीतर जिम भी बनवा रखा है। यहाँ अक्सर सनी देओल और उनके दोनों बेटे वर्कआउट करते हैं। धर्मेंद्र वैसे अपने सालों पुराने बंगले में कम ही रहते हैं। उनका ज्यादातर वक्त पनवेल स्थित फार्म हाउस पर ही कटता है। बॉलीवुड के धर्मपाजी अपने फार्म पर खेती बाड़ी के साथ पशुपालन भी करते हैं। एक्टर मुंबई के चहल पहल से दूर अपने फार्म पर बिल्कुल गांव वाली जिंदगी जीते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24।